तुम जो वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने आए हो उसके लिए शुक्रिया बच्चों। जो कुछ मुझे नहीं चाहिए तुम लोग जाकर उसे बेच सकते हो, उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी मदद के बदले इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है दादाजी। बिल्कुल, और वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती। पता नहीं था कि यहाँ इतना सामान है। हाँ, दिख रहा है। ला 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 ला। देखो मुझे क्या मिला दादाजी। तुमने इसे ढूंढ लिया, मैं जानता था ये यहीं होगा। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या है ये? ये एक कंपास है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। उसने ये मुझे दिया क्योंकि वो जानता था मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बड़ी जल्दी बिकता जा रहा है। हाँ सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये कबाड़ भी खरीदना चाहेगा। मेरा मतलब, मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं कि दादाजी के सामान इतने जल्दी बिक रहे हैं। उबेद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और डब्बे ले आओगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जाकर वो कंपास ले आओ। अरे ये क्या, दादाजी का कंपास? वो कंपास ऐसे नहीं ले जा सकता है, वो तो तुम्हारे दादाजी का है। सही कहा, हमें उसे लाना ही होगा। दोस्तों चलो जाकर उस पायरेट को पकड़ते हैं। मैं यही रुकूंगा और स्टॉल का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलो। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, ये कंपास दूसरी चीजों के साथ उस टेबल पर कैसे पहुंच गया? आहा, तो तुम साथ मिलाए। वो गलती से आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वो वापस आ जाए। हाँ। हाँ? नानो जाओ और उस लुटेरे को ढूंढो। लुटेरा मिल चुका है, इस तरफ जाना है। इस तरफ दादाजी,
हमें उनके पीछे जाना है। जल्दी 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 इस तरफ। कस के पकड़ लो, हम तेजी से जाएंगे। कंपास लौटा दो। वो आपका नहीं है, आपने चोरी की है। हाँ, वो आपका नहीं है। और ये तोता बदबू मारता है। दादाजी, वो उस तरफ जा रहा है। पकड़े रहना, हम उसके पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे नानो, तुम्हारी बैटरी बाद में चार्ज कर दूंगा। मेरे ख्याल से मैं यहीं रुककर बोट पर नजर रखूंगा। चलो भी। तुम इस तरफ आओ आबेद। वो कहाँ गया? वो हमसे नहीं बच पाएगा। वो रहा, उसके पीछे चलो। पकड़ो उसे, पकड़ो। ऐसा कोई भी नायाब चीज नहीं खरीद सकता है, समझे बच्चे? अंदर आ जाओ। हाँ, ये तुम्हें कहां से मिल गया? ये किसी बच्चे के पास था, उसने कहा ये उसके दादाजी का है। ये बात है, अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना चाहिए। आओ, कंपास मिला या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, इन सब की कोई गलती नहीं। अरे घबराओ नहीं, चीजें कीमती होती हैं, पर दोस्तों की कीमत उनसे कहीं ज्यादा होती है। देखो कौन आया है। बच्चों मेरे साथ चलो, इसे सबक सिखाएंगे। अच्छा हुआ तुम लौट आए, ये बदतमीजी क्यों की तुमने? यही चाहिए ना तुम्हें? वापस दो, वो मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, ये कंपास मुझे उसी ने दिया। उसे लौटाओ वरना। तो अब दूसरी बार मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये कंपास दे रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त, ये कंपास और तुम मेरे दिल के करीब हो। अच्छा, पर दोस्तों ये है कौन? ये वही हसन है जिन्होंने दादाजी को कंपास दिया था। ध्यान दो लल्लू। ऐसी बात है? ओ, मुझे मेरा कंपास फिर से मिल गया, लेकिन उससे भी कीमती चीज अभी बिल्कुल मेरे सामने है। और ये सब हुआ तुम्हारी गलती से। ये सुनकर खुशी हुई।
क्लास खत्म हुई। इस हफ्ते की ये आखिरी क्लास है बच्चों। उबेद और मैं स्विमिंग करने जा रहे हैं। तुम दादी माँ के वहाँ मजे करना। नहीं नहीं करूँगा। तो हम तुमसे कल मॉल में मिलेंगे। रुको रुको, मैं तो भूल ही गया, एक मजेदार होमवर्क है। देखो वो रहे दादाजी। हेलो दादाजी। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम ऐसे घूम रहे थे और सालिम के लिए रुके थे। बहुत अच्छा। पता है क्या, सोच रहा हूँ साइकिल खरीद लूँ। वाह साइकिल, अच्छा है ना? इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता दादाजी। लेकिन बाद में खरीदूंगा, अभी कुछ खा लें। क्यों ना आप हमें एक आइसक्रीम ही दिला दीजिए। आइसक्रीम? चलो। कौन सी आइसक्रीम लोगे? मैं एक छोटी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लूंगा मैंगो के पीसेस के साथ। और मेरी वाली में डालना चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज और मैंगो और बनाना और उबेद। आप लोगों ने तो कहा था कि मेरे लिए फ्रूट्स अच्छे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, लगता है कहीं छूट गया। कोई बात नहीं दादाजी, मैं संभाल लूंगा। मैं भी पैसे लाना भूल गया। उबेद, लगता है मेरे पास भी नहीं है। जरूर मैंने यहीं कहीं खर्च दिए होंगे। माफ करना बच्चों, मुझे अपना पर्स ढूंढना है, तो बाद में आइसक्रीम खा लेंगे। अच्छा बच्चों बाय। बाद में मिलेंगे दादाजी। पर मेरी आइसक्रीम। चलो उबेद। हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों क्या कर रहे थे? हम सालम के लिए रुके थे और आइसक्रीम नहीं खा रहे थे। दादाजी हमें आइसक्रीम दिलाने वाले थे, पर जब वो पैसे देने लगे उन्हें उनका वॉलेट ही नहीं मिला। ओह बहुत बुरा हुआ, अगर तुम दोनों हमें पहले मिलते तो आइसक्रीम खा लेते, पर अभी हमें जाना होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये लो तुम ये आइसक्रीम के वाउचर्स ले लो। शुक्रिया शम्मा, अगली बार हमारी ट्रीट होगी। क्या बात है, शम्मा कितनी अच्छी है ना। अब हम आखिरकार आइसक्रीम खा ही लेंगे, है ना मंसूर? मुझे जूस देना प्लीज। ये जो ले रहा है मुझे भी वही दो। और एक ये भी देना प्लीज। मंसूर देखो वहाँ कौन है। अली सर को यहाँ मॉल में देखना कितना अजीब है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अजीब ही तो है, ये सोचना कि उनकी अपनी कोई जिंदगी होगी, है ना? मेरा मतलब वो खाते पीते आम इंसान है जिनकी आम जिंदगी है। तुम्हें क्या लगता है, वो बस स्कूल में रहते और बाहर नहीं निकलते हैं? हाँ और क्या। यम्मी। ये क्या, कितने अजीब हैं। हाँ हमें इसे उन्हें लौटाना ही होगा, जल्दी चलो। तुम जाओ मैं आता हूँ। ये जरूरी है उबेद, चलो भी। पर आइसक्रीम भी जरूरी है दोस्त। वो किस तरफ गए होंगे? वो वहाँ। अली सर, अली सर। वो तो चले गए, वो हमसे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हो गया? पर फिर भी हमें उन्हें ये देना ही होगा। सुनिए सर, सुनिए तो।
गायब हो गए क्या? कुछ तो गड़बड़ है उबेद, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा, चलो जल्दी। मंसूर, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, कैसे ढूंढेंगे हम? समझ गया, नानो हमारी मदद कर सकता है। चांस तो बहुत कम है, पर तब भी कोशिश करते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। क्या तुम एली सर को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? ठीक है, कोशिश करता हूँ। गुड न्यूज है, मुझे एली सर मिल गए। शाबाश नानो, बताओ कहाँ है वो? बताता हूँ, वो यहाँ पर है। अली सर, हमारे पास आपका हाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ओ, देखो सालम आ गया। हेलो सालम, क्या तुमने बड़े मजे किए अपनी दादी माँ के घर? नहीं, पर तुम दोनों ने क्या क्या किया? हमने अली सर को देखा। हाँ, और वो हमसे भाग रहे हैं। और उन्होंने अपना वॉलेट गिरा दिया। हाँ, हमसे भागते हुए गिर गया। तो उन्हें वॉलेट लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर वो फिर भी भागते रहे। मतलब तुम अब तक नहीं जानते? नहीं, क्या हुआ? मैं तुम्हें बताऊंगा तो नहीं, पर ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। ठीक है, तुम मदद कर दो। किस तरफ गए हैं वो? ओके, चलो चले। पर इस बार हम छुपकर खामोशी से जाएंगे, कोई भागना नहीं और चिल्लाना नहीं, समझे? हाँ। वो गए कहाँ? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे पीछे आओ और ध्यान रहे वो देख ना ले। ऐसे छुपते क्यों जाना है, कितना अजीब है। तुम्हें जल्दी पता चलेगा। अली सर, अली सर, हाँ? ये एक सरप्राइज है, मैंने आपको सबसे हाँ? पहले देखा है, तो क्या मुझे मेरा इनाम मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इन्होंने हाँ? इनाम कहा? हाँ? थैंक यू। तुम ये कैसे जीत गए? तुम क्लास से जल्दी निकल गए कि तुमने सुना ही नहीं जब अली सर ने कहा कि आज स्पॉट योर टीचर डे है, क्योंकि मैंने उन्हें ढूंढ के स्पेशल वर्ड्स कहे, मुझे इनाम के तौर पर हाउस पॉइंट्स मिलेंगे। पर हमने आपको पहले देखा था। नहीं नहीं, तुमने स्पेशल वर्ड तो बोला ही नहीं। पर स्पेशल वर्ड तो हम जानते ही नहीं थे। वो तो तुम्हारी बदकिस्मती है। ओए, मेरा वॉलेट कहाँ गया? ओ एली सर, ये रहा आपका वॉलेट, आपने रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था, इसीलिए हम आपके पीछे आ रहे थे। उबेद और मैं तो स्पॉट योर टीचर डे के बारे में जानते भी नहीं थे। हाँ, और आपको वॉलेट लौटाने के चक्कर में मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई। ओहो, मैंने सोचा तुम भी गेम का हिस्सा थे, पर अब मैं समझा तुम क्या करना चाहते थे। बहुत 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 शुक्रिया सच में बच्चों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइसक्रीम कौन खाएगा? मुझे। 3 आइसक्रीम बच्चों को दे दो प्लीज। मंसूर,
हेलो, अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ, हाँ। सालम, एक इमरजेंसी है, तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है, इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है, इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे। सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो आंटी मंसूर, आंटी ओबेद मिल गया। ओ शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे, सालेम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं, उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो उबेद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है, बाय बाय। ये तो आसान है, आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है। नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा, जल्दी करो। सालम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो अभी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं। वो गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओ अच्छा। रुक जाओ। हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ ओबेद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओ नहीं, वो अंदर चला गया। उसे यहाँ से निकालना होगा, यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की जल्दी घुमाओ। उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा। वहीं रुको।
रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता उबेद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया वो? देखो ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी। माफ करना। सॉरी अंकल, सॉरी। समझ गया, उबेद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानो ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है और हम इसे जगा नहीं सकते। बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। अहा, अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों प्लान में चेंज है, हम उबेद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। जवाब सपना देखा, ओ पाइनएप्पल का। ओ, मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं? और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे, हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ शर्म की बात है, पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं उबेद। क्या मतलब, और किस किस ने देखा? सब ने। ओ नहीं।
अरे नहीं, ये क्या? तुमसे कहा था ना कि ये नो पार्किंग है। अब चलो। ओ बलून। चलो। अरे रुक जाओ। शुक्रिया। चोर! अरे उन चोरों को कोई रोक। देखो। बलून ले गया। माँ, सुन रहे हो? कोई तो रोको। अरे मेरा बलून ले गया। चलो मदद करें। रुक जाओ, रुक जाओ। मदद करो, वो मेरा बलून ले गया। हम मदद करेंगे, वो बचकर नहीं जा पाएंगे। शुक्रिया बच्चों, जाओ जाकर उन चोरों को पकड़ो। हमें सवारी नहीं चाहिए। तुम अभी यही हो? तुम ये सब करके बच नहीं पाओगे, समझे? ओ, अच्छा। कैसे रोक लोगे? कुछ ना कुछ सोच लूंगा। देखो, चोर गुब्बारे को स्टेडियम की तरफ ले जा रहे हैं, तो चलो जल्दी। और डिफेंडर्स को चीरते हुए सिर्फ गोली का सामना करना है। और ये हो गया गोल, 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 गोल। मंसूर, मंसूर, मंसूर। ओह, और स्कोर हुआ 1-0। छोड़ूंगा नहीं। जल्दी चलो। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हम इसे ऊपर फेंककर बास्केट में फंसा सकते हैं। ये बहुत भारी है। नानो, क्या तुम ऊपर उड़कर इसे उस गुब्बारे में लगा दोगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। ना जाने कब तक उसकी बैटरी साथ देंगी। बहुत अच्छे नानो, तुमने कर दिखाया। ये क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ सोच लूंगा। तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्कोर है 2-0। एक आइडिया है, मैं उस गुब्बारे को अपने पेन से फोड़ दूंगा। पर तुम वहाँ ऊपर तक कैसे जाओगे? एक बड़ी सी गुलेल से। एक बड़ी सी गुलेल? अच्छा आइडिया है उबेद। सच में? मेरा आइडिया बेकार था, मेरा आइडिया बेकार था। नहीं नहीं, तैयार हो उबेद? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ।
हेलो मैं बोल रहा हूँ, तुम दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो तुम? पता नहीं, पर मैं प्लेन से टकराने वाला था। क्या? एक सेकंड रुको उबेद, और याद रखना, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बुरा हो सकता है, बहुत ज्यादा बुरा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मंसूर, शायद मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। अगर इस बलून को छोड़कर हम हेलीकॉप्टर ले लें तो? अच्छा आइडिया है मंसूर, तुम्हें हेलीकॉप्टर वाली बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, समझे? ये चोर वहीं से हेलीकॉप्टर चुरा कर भागने वाले हैं। ठीक है उबेद, हम वहीं पहुंच रहे हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो ओ नहीं, फिर से नहीं। बताओ अब तुम भागकर कहाँ जाओगे? दरअसल हम ऊपर जा रहे हैं, साथ में तुम भी चलोगे। फुल पावर। ये वहाँ कैसे पहुँचा? उबेद, कूद जाओ। देखो वो रहा हेलीकॉप्टर। कुछ तो करना ही होगा। तुम इसे उड़ाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? बताओ मंसूर। नहीं, मैं बस इसे थोड़ी सी हवा दिलवाऊंगा। ओह, कितना अच्छा लड़का है, इंजन शुरू कर दिया। नहीं, लैंड करना होगा। इसे जरा और पावर दो मंसूर। फ्यूल खत्म। चलो एक्सप्रेस लिफ्ट से नीचे चले, जल्दी चलो। चलो यहाँ से भाग निकले। वही, रुक जाओ चोर। भागते कहाँ हो? शाबाश उबेद, तुमने चोरों को भागने से रोका। तुम भी गोल गोल घूम रहे थे।
हो मेरे छोटू दोस्त? पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हा? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। एक मिनट। अल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्पलीफिकेशन यूनिट। ओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमा, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं, यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे, तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है, और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है, जम गया है सब, इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई। सच कहूं दोस्त तो ये बढ़िया तरीका है गर्म रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाँ, बहुत कूल क्या है। बात है। सुनो खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो, हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं नहीं दिखे तो बेहतर है। देखो इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद, रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यति था। उबेद तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं सच में, तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा फिर एक ही तरीका है पता लगाने का, हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेर, चलकर तुम्हारे ही यति देखकर आते हैं, ठीक है? ओह ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा,
फिर बताना ये क्या है। अरे नहीं, देखा मैंने कहा था ना, इन सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको अभी बताता हूँ, पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके शुक्रिया नानो, अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी, और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कट, कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया, और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई, सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहन कर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। Masuk!
बहुत अच्छी कोशिश की भाई। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं। हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में हैं, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटोज सबमिट करने के लिए तैयार है, अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो पॉप से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशन तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। हाँ? तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन।
हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सैलम, पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। ओ, ओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट्स हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूं तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है, मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था, और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ? हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये एक साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
हाँ।